बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत। अच्छा क्या लगता है विदा पीपल कैसे कार्यक्रम होने चाहिए? अच्छा अरेंजमेंट है बहुत अच्छा है कि हर महीने होनी चाहिए कि महिलाओं का इकट्ठा होना इस तरह संगठित होना एक ये दिखाता है कि नहीं हम आगे काम कर रहे हैं और काम करेंगे आगे अपने समाज के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? इस प्रकार के आयोजन समय समय पर होने चाहिए, पता चलता है कि महिलाएं भी जागरूक है अपने कार्य के प्रति। क्या लगता है कि महिला अपनी ताकत को समझ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं समझेंगे। आज अगर महिलाएं इतना नहीं समझती तो हम लोग यहाँ आते ही नहीं। हम अपनी ताकत से आए। ग्वालियर से आए? कितने लोग आए ग्वालियर से? 15 लोग आए। में लगे आधे घंटे में कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक पदाधिकारी भी इस लाइन में लगा होता है जबकि कोई पदाधिकारी नहीं होता है विदा पीपल? क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर विदा पीपल की रियल जो डेफिनेशन है उसको हम सार्थक करते हैं। बाकी में हम विदा पीपल है विदाउट एनी रिलीजियस और एनी कैटेगरी क्लास की डिफ्रेंसिएशन के बिना, तो हम सभी इक्वली हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं और सब इक्वल है हम लोग हर तरीके से। आज के कार्यक्रम पुरुष मानसिकता दोषी है, पुरुष मानसिकता को बदलाव करने की जरूरत है। बेटियों पर जीवन संगनी पर माँ पर विश्वास करने की जरूरत है, उनके साथ अनंत करुणा और मैत्री का व्यवहार करने की जरूरत है। नमस्कार मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एस एफ न्यूज़। मैं आपको बता दूं विदा पीपल का भोजन चल रहा है, कितने सिस्टमेटिकली तरीके से यहाँ पर भोजन ले रहे हैं लोग, भोजन का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। आप समझिए कि तमाम माता बहनें हैं जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? तमाम पार्टी संगठनों को छोड़ के विदा पीपल में लोग जुड़ रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या नया है यहाँ पे जो और ऑर्गेनाइजेशनों में नहीं है? यहाँ पर एक अपनापन है, ये अलग अलग क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, केवल एक समाज को नहीं। जैसे आपको कहते हैं ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर है, वकील है, हर तरह के लोग आपकी हेल्प के लिए भी तैयार है, समाज में रूट्स में जाके काम कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं एक सोशल ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर नहीं, जब तक हम नीचे कॉजेज में काम नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। जी आप कुछ कहना चाह रहे मैम? यहाँ चंदा नहीं है, धंधा नहीं है, माला नहीं है, मंच नहीं है, नेतागिरी नहीं है, दादागिरी नहीं है। अच्छा ऐसा भी है यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ समानता की बात होती है, नहीं होती है? यहाँ समानता की बात होती है, यहाँ सबकी बात सुनी जाती है। हाँ इसलिए यहाँ पे लगता है कि विदा पीपल जुड़ने से महिलाओं के साथ पुरुष भी जुड़ेंगे, बढ़ेंगे और बच्चों का भी जो कारवा है वो बढ़ पाएगा, क्या लगता है? बहुत आगे तक जाएगा काफी। जी बहुत बहुत आगे तक। मैडम कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं आगे आ रही है। अच्छा और अगर महिला आगे आएंगी तो उस समाज का और हम ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे जी बिल्कुल। और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। और जितने भी हमारे बहुजन समाज के मीडिया हैं जो बहुजन समाज की बात को उठाते हैं बेफिक्री से और निर्भीक अंदाज में, उनको सैल्यूट है, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और हम अपनी लाइन का में जो है नखड़े होकर खाने का वेट कर रहे हैं और बहुत ही डिसिप्लिन से देखिए यहाँ पर एक हम किसी भी तरह की भगदड़ नहीं है और एक डिसिप्लिन में होते हुए हम अपना खाना। पहले मैं बोलूँगा कैमरा मैन को एक बार लाइन दिखा दें, लाइन इतनी लंबी है कि लोग बड़े शांति और व्यवहार तरीके से अपने खाने का वेट कर रहे हैं, अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि ऊपर बैठा हूँ नीचे बैठा हूँ। आप देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार अपने खाने का वेट इंतजार कर रही हैं और ये विदा पीपल से ही ऑर्गेनाइज हो पाता है। विदा पीपल एक ऐसी संस्था है। आप देखिए कहाँ से आए हुए मैडम? हिसार से आए हुए हैं। भोजन हो गया? कैसा लग रहा है विदा पीपल में आते हैं? आप देखिए भाई लोग भी आए हुए। सर कहाँ से आए? सर सर हम राजस्थान से आए हैं। अच्छा राजस्थान से आए हैं, क्यों आए हैं राजस्थान से यहाँ पर? महिलाओं की संघ प्रथम बार समिति हो रही है और महिलाओं का हमें साथ बढ़ाना चाहिए ताकि वो इतिहास और महापुरुषों के विचार को समझें जी और अपने वैचारिक परिवर्तन करें जी। हम भी पुरुषों को आकर के साथ बढ़ाए ताकि वो, क्योंकि यदि महिला सशक्त होगी तो निश्चित रूप से घर परिवार सशक्त होगी, देश सशक्त। जी विदा पीपल में आपने देखा कि तमाम यहाँ पे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और यहाँ पे जो है तमाम पदाधिकारी भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और कौन पार्टी जाने कहाँ से आए हुए हैं आप? मध्य प्रदेश ग्वालियर से। मध्य प्रदेश क्यों आए हैं विदा पीपल में, ऐसा क्या है कि इतनी दूर चले जाए आप? ये महिलाओं का प्रोग्राम है, महिलाओं को जागरूक करने का प्रोग्राम है, तो जब हम सब इकट्ठे होंगे तभी तो जब देखेंगे
इकट्ठे होंगे तभी तो महिला शक्ति जब दूसरे महिलाओं को देख के महिलाएं और जागृत होंगी ना, लग रहा है कुछ मजबूत हो पाएंगे और अच्छा होंगी ना, इतना सब देख रहे हैं तो होंगी फिर। आज पुरुष लाइन में पीछे खड़े हुए हैं, आराम से खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे साहब? पहले कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, तो महिलाएं आगे जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो बहुत खुशी है इस चीज़ के बारे में जी, और महिलाओं को क्या है कि सबसे आगे जाना ही चाहिए जी। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम अटेंड किए हैं हमेशा यह शिकायत रहती थी कि पुरुष लोग अकेले आ जाते हैं जी, औरतों के साथ में लेके नहीं आते जी, लेकिन आज ये पीपल ऑफ इंडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं के सबसे ज्यादा भागीदारी लेडीज की है, लेडीज यहाँ पर। आप देखिए कि पहले पुरुषों ने भी इतना सम्मान दिया है, पुरुष लाइन में पीछे लगे हुए हैं और महिलाओं को पहले उन्होंने सम्मान दिया है। राजेश कुमार, राजेश जी कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ जी, गुड़गांव बसई से जी। महिलाओं का ऐसा आयोजन बहुत कम होता है, बल्कि रेयर ही होता है, मुझे लग रहा है ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, घर से बाहर निकलें, बाहर निकल के अपनी शक्ति को पहचानें और कुछ समाज में योगदान दें, फैमिली का, फैमिली के लिए भी और समाज के लिए भी जी। सर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का जो एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है जो आयोजित किया गया, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि ये पहला प्रोग्राम है, समझते ही पहला प्रोग्राम है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। सबसे पहली जरूरी चीज़ है हमारे लोगों, पुरुषों को और महिलाओं को इसका रूट कॉज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया किताब लिखी है जी, उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से उनके जो जो पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं का जैसे शोषण किया जाता है। महिलाएं तो सारी दलित ही हैं, चाहे ब्राह्मण वर्ग की हो चाहे दूसरे वर्ग की हो, सब दलित है और उनके विकास के लिए सारी जो है प्रॉब्लम वो करनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का एनिलेशन किया था जी, सती प्रथा पर जो कानून बनाया था विलियम वेंटिंग के समय में, लेकिन ये आश्चर्य की बात है मैटर ऑफ एक्सचेंज के 1829 में सती प्रथा को रोका गया, लेकिन भारत में राजस्थान में पहला जो कानून बना सती प्रथा के विरुद्ध वो 1987 में बना, कितने समय के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1989 में बना, कितने लगातार जो है वो सती कुमार को किया गया 1987 में, तो ये पहली बात। इसलिए भारत के लोगों को जो मदर इंडिया में जो रिपोर्ट्स उन्होंने लिखी है कैथरीन मेयो ने लेडीज़ के बारे में, संभवतः बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, लेकिन गांधी जी जैसे लोगों ने और जो तिलक जैसे लोगों ने और मदन मोहन लोगों जैसे उसका विरोध किया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने 1929 में जो 27 में जो मदर इंडिया लिखी गई है उसको जो है उसके महिलाओं के बारे में, भारत के बारे में जो लिखा गया वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसके विकास के बारे में इन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए जी, इन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए जो तब उनके समस्याओं के बारे में। यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे देखिए कोई पद वाला नहीं है और बहुत सारे साथी कहना चाहते हैं। आप समझिए कि राजकुमारी बंसल जी के द्वारा भी एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अपने यथास्थान से यहाँ पर दिल्ली में कई बार आना रहा है और वो भी लाइन में लगी हुई आधे घंटे से। कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक पदाधिकारी भी इस लाइन में लगा होता है जबकि कोई पदाधिकारी नहीं होता है वीजा पीपल, क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर वीजा पीपल की रियल जो डेफिनेशन है उसको हम सार्थक करते हैं, बाकी में हम वीजा पीपल है विदाउट एनी रिलीजियस और एनी कैटेगरी क्लास की डिफ्रेंशिएशन के बिना, तो हम सभी इक्वली हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं और सब इक्वल है हम लोग हर तरीके से। आज के कार्यक्रम से क्या लग रहा है, क्या नया निकल कर आने वाला है? इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देगी हमारी मोर देन 50% हमारे महिलाओं की उपस्थिति है, तो अगर महिलाओं की इसी तरह से भूमिका और जागरूकता बनी रही तो इससे बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा और बहुत बड़ा बदलाव हम लाने की उम्मीद कर रहे हैं। जिस नारी को पर्दे के अंदर रखा जाता था आपने वो पर्दा उठाने का काम करा, बाबा साहब ने जो मार्गदर्शन दिया उसको आपने बढ़ाने का काम किया, तो क्या लगता है ये कार्रवाई ऐसी बढ़ता रहेगा जो महिलाओं की ताकत आप पूरे देश से मिली है यही आपको मिलती रहेगी, फिर दिल्ली में करेंगे दिल्ली के अलावा भी और सर? अभी तो ये आगाज है, ये शुरुआत की है हमने, ये सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा और बाबा साहब ने जैसे कि कहा था किसी भी समाज की उन्नति महिलाओं की प्रगति पर डिपेंड करता है, तो बस हम लोग महिलाओं की प्रगति को फोकस करके आगे समाज की उन्नति पर पूरा फोकस करेंगे, पूरा फोकस करेंगे। आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार कैमरे का व्यू दिखा दें, ये तमाम महिला डॉक्टर इंजीनियर लॉयर और बहुत कम हैं जो हाउस वाइफ हैं, अभी घर से बाहर निकल कर आई हैं, बहुत गृहिणी थी वो भी अब अपने पर्दे को उठा चुकी हैं, यहाँ पर देखिए सम्मान से सारे मिलकर बांटकर खा रहे हैं और यह प्रेम आपको सिर्फ अम्बेडकरवादी लोगों में ही मिलेगा। और दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, थोड़ी दूर से चलकर आए हैं।
दिल्ली तिलक नगर से अच्छा इनकी टीम से ही बात कर लेते हैं कुछ हमारी टीम वो खड़ी है कोई बात नहीं हमें पता है सारी टीम आपकी है वीदा पीपल एक टीम है अपनी यहाँ पे समझिए कि बहुत सारी संगठनों से महिलाएं आई हुई हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही नारा कह रही है कि वीदा पीपल से आई है क्या कहना चाहिए वीदा पीपल में कहना अलग रहा है अगर वो ऐसा कह रही हैं अलग अलग संगठनों से आने के बाद कि हम वीजा पीपल से आए तो कुछ तो बात होगी वीजा पीपल में और उनको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा इसलिए वो इस चीज़ को बोल रही है कि हम वीजा पीपल से आए वीजा पीपल और भी ऐसी तरीके से लगातार काम करने वाला है बिल्कुल लगातार काम करने वाला है इससे पहले बहुत सारे हमारे गाँव के अंदर जो रूढ़ीवादी महिला हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेगी एजुकेशन का काम करेगी नहीं करेगी वीजा पीपल या शो बिजनेस पे यूट्यूब पे फेसबुक पे ट्विटर पे न्यूज पे इन पे रहेगी जमीन पे भी जाएगी नहीं बिल्कुल हम ग्राउंड से काम करने वाले लोग हैं हम जो झोंपड़ झुग्गियों में लोग नहीं जाते हम वहाँ तक जा करके काम करने वाले लोगों में से और ये तो जो सोशल मीडिया है यहाँ तक ठीक है जो लोग करता करता लेकिन हमारा वीजा पीपल जो जमीन से काम करते हैं हमारा वीदा पीपल जमीन से काम कर रहा है आप इससे जुड़ सकते हैं इनकी वेबसाइट ऑफ इंडिया है तमाम साथी आए हैं डॉक्टर उदयवीर जी हैं हमारे साथ उदयवीर जी ये लाइव चल रहा है जी सर अब आप बताइए कि आज आप एक घंटे से लाइन में खड़े हो मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ तक आते आते काफ़ी टाइम लग गया महिलाओं के पीछे खड़े होकर कैसा महसूस कर रहे हैं सीधा सीधा बताइए महिलाओं के पीछे खड़े होकर के हमें अपनी जीवन पर्यंत होने वाली गलती का एहसास हो रहा है जी हमने इन बहनों को बेटियों को जिस तरीके से अब तक प्रगति करने के मौक़ों को हर पल रोका है बेटियों को डांटा पत्नी को डांटा बहन को डांटा माँ को डांटा ये हम पुरुष यही काम करते आए हैं आज हमें गलती का एहसास हुआ है और ये सारे अधिकार अब हम हमारी ये बहनें आगे चलें हमारी बेटियां आगे चलें जो माताएं हैं वो आगे चलें और हमको इनके पीछे चल के एक सपोर्टिव मैकेनिज्म के रूप में हमें इनकी मदद करनी है क्योंकि जब तक ये आगे नहीं चलेंगे महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं बहुत कमजोर हैं चल नहीं पाएंगे टूट जाएंगे ये क्या कर पाएंगे ऐसे बहुत बोलते क्या कहना चाहेंगे लोगों के ये मानसिकता पुरुष मानसिकता है उसने ही इसका प्रचार किया है मैं इनकी गलती के लिए स्वयं को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ माँ में जो शक्ति है बहन में जो शक्ति है बेटी में जो शक्ति है जितना वो दर्दर बर्दाश्त करती हैं अपने जीवन में पुरुष जाति के बस की ये बात नहीं है इन्हें भाषण देना आता है इन्हें मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाना आता है इन्हें गुंडागर्दी करनी आती है नैतिकता के प्रश्न पर चरित्र और व्यवहार के प्रश्न पर ये हमारी माँ बहन और बेटी का मुकाबला पूरे जीवन में कोई पुरुष कर नहीं सकता आपको पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकरवादी लोगों से महिलाओं के प्रति किस तरीके का उनका रूप होना चाहिए मंचों पे तो बहुत बातें करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वही नजर आते हैं क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहता हूँ पुरुष भाइयों को ये कहना चाहता हूँ एक पत्नी एक माँ और एक बेटी ये जो हम रूप देखते हैं माँ को नमन करो ये जो पत्नी है ये हमारी जीवन साथी हैं ये हमारी जीवन की प्रेरणा स्रोत हैं ये हमारी ताकत है अगर ये मजबूत बनती हैं तो हमारा परिवार मजबूत बनता है और बेटियों को भी हमें यही शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि जो परिवार होता है जो घर होता है वो इस माँ से चलता है इस पत्नी से चलता है और ये जो बेटी दूसरे घर में जाती हैं तो उन्हीं से वो घर आबाद होता है हमें मातृशक्ति को जीवन संगनी की ताकत को और बेटियों की ताकत को बल देने के लिए हमें जितना भी हम प्रयास कर सकें हमें इनको प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है हमें इन्हें डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है हमें जो ये कर रही हैं उसमें सिर्फ मदद करने की ज़रूरत है उनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है गलती होती है जीवन में बहन बेटी माँ से गलती होती है उस गलती को बहन कैसे माँ से होती है क्या कहना चाहेंगे बेटे से नहीं होती है बेटा तो मेरे डिस्कशन का विषय ही नहीं है मुद्दा मत बताओ हाँ। मैं बेटों के बारे में क्योंकि बेटों ने जो करना था वो कर दिया इन बहन बेटियों पर अत्याचार आज भी क्यों हो रहे हैं और वो बेटा करता है वो बाप करता है वो पति करता है इस पुरुष समाज को जब तक अपनी मानसिकता में व्यापक परिवर्तन ये नहीं करता है तब तक ये बहन ये बेटियां ये
सम्मान का जीवन, सुरक्षित जीवन नहीं जी सकती हैं। पुरुष मानसिकता दोषी है, पुरुष मानसिकता को बदलाव करने की जरूरत है। बेटियों पर, जीवन संगनी पर, माँ पर विश्वास करने की जरूरत है। उनके साथ अनंत करुणा और मैत्री का व्यवहार करने की जरूरत है। धन्यवाद।